कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो अपनी रिलायबिलिटी और वैल्यू फॉर मनी होने के ही दम पे बिकती है। उनमें से ही एक है किया सेल्टस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश, स्वागत करता हूं आपका एसएस ऑटोमोटिव में। तो दोस्तों, ये है किया सेल्टस का एचटीके वेरिएंट, यानी सेकंड बेस वेरिएंट। इसी का हम रिव्यू करेंगे, इसका एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर्स और ऑन रोड प्राइजिंग के बारे में भी जानेंगे। अब बात करते हैं इस गाड़ी का। तो इस गाड़ी की अगर बात करें तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इसका बेस वेरिएंट का भी रिव्यू किया था, ऊपर आ रहे आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन इस वेरिएंट को मैं काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मानता हूँ, क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ी जो फीचर्स आपको दे रही है, जैसे आपको हो गया 8 इंच का टच स्क्रीन, हो गया एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिल जाता है, 6 एयरबैग मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको मिल जाता है, हिल असिस्ट मिल जाता है, ब्रेक असिस्ट मिल जाता है, 4 डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं चारों पहिए में। तो ये सारे फीचर्स आपको इस वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसका मेन कंपटीटर है मिनी एसयूवी का। टॉप वेरिएंट वाले जो लोग हैं, जैसे कि मिनी एसयूवी का टॉप वेरिएंट लेते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाती है। रीज़न ये है कि इसमें आपको बड़ी सी जगह मिल जाता है, बड़ा बूट मिल जाता है, रियर स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है, फीचर्स में भी कोई कमी नहीं मिलती है, सेफ्टी फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। तो सब चीज़ें से देखा जाए तो कोई भी कमी इसमें आपको देखने को नहीं मिलती है, और बड़ी गाड़ी मिलती है, रोड प्रेजेंस ऐसा आपको अच्छा मिलता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, और सारी चीज़ें इस गाड़ी में अच्छी मिल जाती है। हैंडलिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है इस प्राइस ब्रैकेट में देखा जाए तो। वहीं पर इसकी ऑन रोड प्राइजिंग की अगर बात करें तो ये वेरियंट आपको 13,35,736 रुपये, यानी 13,35,736 रुपीज़ में ऑन रोड सिंह साहेब गोरखपुर यूपी पे मिल जाता है। अगर आपको गाड़ी परचेस करनी है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, गाड़ी के बारे में बहुत सारी बातें हो गई, अब चलते हैं देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। फ्रंट से शुरुआत करते हैं। फ्रंट में अगर आप देखोगे तो इस वेरियंट में आपको यहाँ DIS के यहाँ पे आपको हाइलोजन बल्ब मिल जाता है, यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है पूरा हाइलोजन बेस में। ये देखिए, ये यहाँ पे भी आपको सिल्वर फिनिश ही मिलता है, क्रोम ना मिलके। नीचे देखेंगे तो प्रोजेक्टर में ही आपको फॉग लैम्प मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी देता है। हाइलोजन में ही मिलता है लेकिन प्रोजेक्टर आपको मिल जाता है, ये अच्छी बात है। लोअर बम्पर का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फ्रंट में आपको स्किड प्लेट मिलती है, ग्रिल काफ़ी अच्छी लगती है इसमें। देखिए, सिल्वर फिनिश का यूज़ ज़्यादा किया गया है, ग्रिल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है इसकी, जो इसकी रोड प्रेजेंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने में मदद करती है। यहाँ पे आपको किया का लोगो मिल जाता है, जो देखने में काफ़ी शानदार है। देख सकते हैं, इस गाड़ी का फ्रंट लुक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, इसीलिए इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा खिल करके आती है। तो वहीं पे अगर साइड से आप इस गाड़ी को देखेंगे तो साइड से भी काफ़ी बेहतरीन लगती है, साइड प्रोफाइल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर इस गाड़ी के डायमेंशन की अगर हम बात करें तो लेंथ मिल जाती है 4315 mm की, वेथ मिल जाती है 1800 mm की, हाइट मिल जाती है 1645 mm की, वहीं व्हील बेस आपको 2610 mm की मिलती है। यहीं पर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्लैडिंग आपको यूज किया गया है, व्हील आज काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ पे जो व्हील कवर मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डिज़ाइन में आपको मिलती है। टायर साइज की बात करें तो 205/65R 16 इंच के स्टील रिम्स आपको देखने को मिल जाते हैं, 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिलती है। क्लैडिंग देख सकते हैं यहाँ भी यूज किया गया है, पूरी क्लैडिंग गई है और गाड़ी को पूरी ये क्लैडिंग कवर भी करती है। यहाँ पे आएंगे, ओवरबिंस बॉडी कलर में मिलता है, साथ ही में टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, लेकिन ये ओवरबिंस केवल इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ही आपको मिलते हैं। यहाँ आएंगे तो देखेंगे आपको बॉडी कलर में डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, जो काफ़ी अच्छे हैं दोनों ही तरफ, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रूफ रेल भी मिल जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है इस प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से देखा जाए तो। साइड से आप गाड़ी को देख सकते हैं, गाड़ी की डिज़ाइन वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, मैच्योर डिज़ाइन है, एकदम SUV वाली फीलिंग ये गाड़ी आपको दिलाती है। साथ ही में रोड प्रेजेंस भी काफ़ी ज़बरदस्त इसका मिलता है आपको। तो वहीं पे अगर इसके रियर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो रियर से भी आप देख सकते हैं, रियर की प्रोफाइल मुझे पर्सनली इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इसका जो फील फैक्टर ना एकदम SUV वाला लगता है। फ्रंट से तो प्रीमियम लगती है, रियर से और भी ज़्यादा बेहतरीन ये गाड़ी लगती है। टेल लैंप की बात करें तो टेल लैंप अगर आप देखेंगे तो आपको हाइलोजन में ही मिलता है, देख सकते हैं ये सब आपको हाइलोजन में मिलता है, इंडिकेटर वगैरह इस वेरिएंट में आपको। यहाँ पे देखिए, ये सिल्वर फिनिश का यूज़ किया गया है, क्रोम की जगह यहाँ पे आपको रियर फॉग लैम्प मिलता है। देखिए, ये देखिए पूरा सिल्वर फिनिश यूज़ किया गया है, किया का लोगो आपको मिल जाता है। नीचे आपको इस वेरियंट में कैमरा भी मिल जाता है, रियर कैमरा, काफ़ी अच्छी बात है। सेल्टस की बैजिंग मिल जाती है यहाँ पर आपको। वहीं पे आप रियर बम्पर में अगर आएंगे तो देखेंगे ये कार्बन ब्लैक में आपको बम्पर मिल जाता है, पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं।
देख सकते हैं, चार पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, बम्पर का डिज़ाइन बहुत शानदार है, रियर स्किड प्लेट भी आपको दिया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। किया का लोगो, यहाँ पे आपको डीफॉग या फिर वाइपर देखने को नहीं मिलता है इस वेरिएंट में। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है, और एक अच्छी चीज़ यह है कि शार्क फिन एंटीना भी इस वेरिएंट में आपको मिल जाता है। तो गाड़ी रियर से काफ़ी ज़्यादा शानदार है, सारे फीचर्स वगैरह भी मिल जाते हैं। चलिए अब इसके बूट को खोल के देखते हैं। बूट देख सकते हैं, ऊपर से काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है, बेस वेरिएंट में भी बूट काफ़ी शानदार मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बूट लैंप भी आपको देखने को मिलता है। अब बूट की साइज़ की बात करें तो 433 लीटर यानी 433 लीटर की बूट आपको देखने को मिल जाती है। देख सकते हैं कितनी शानदार कितनी बड़ी बूट है। स्पेयर व्हील आपको देखने को मिल जाता है नीचे, देख सकते हैं। कोई भी पार्सल ट्रे का ऑप्शन आपको देखने को इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। चलिए अब इसके बूट को बंद कर देते हैं। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है, इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, मतलब डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा शानदार इसका लगता है मुझे। एकदम एसयूवी वाली फीलिंग ये गाड़ी देती है, प्रीमियम एसयूवी वाली फीलिंग। अभी आइए चलिए इसके इंटीरियर को चेक करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिल जाता है। डोर आप देख सकते हो, ये भी काफ़ी वाइड ओपन होता है। अगर देखोगे तो यार इसमें सबसे अच्छी बात लगती है इसकी प्रीमियमनेस, और इसकी फिट एंड फिनिशिंग काफ़ी शानदार मिल जाती है। डोर हैंडल्स यहाँ मिल जाता है आपको, यहाँ पे विंडो और बीम से कंट्रोल मिल जाते हैं सारे, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे बटर होल्डर्स मिल जाता है, स्पीकर की यूनिट यहाँ पर मिल जाती है आपको, ट्विटर की मिल जाती है यहाँ पर फ्रंट में ही। कुछ इस तरह का आपको फ्रंट की सीट मिलती है, देखने इंटीरियर में चेक करा देता हूँ। कुछ इस तरह का इंटीरियर देखने को मिलता है कार्बन ब्लैक में, कुछ बीच में सिल्वर फिनिश भी यूज़ किया गया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रंट की सीट पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है, मैनुअली पैडल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे फ्यूल लैंप मिल जाता है, यहाँ पे आपको हेडलैम्प ट्रैक्शन और सारे कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। चलिए इस गाड़ी में पहले की लगा देते हैं, देखिए की ऐसे खुलता है, यहाँ से की लग जाएगा। अब चलिए इस गाड़ी में बैठते हैं और देखते हैं क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं वही बेसिक सा स्टीयरिंग मिलता है, कोई भी लेदर रैप वगैरह आपको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। म्यूजिक कॉल वगैरह के यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से सारे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे किया का लोगो, यहाँ पे भी आप MID को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ के बटन से, किया का लोगो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। MID आप देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको एनालॉग में ही मिलता है, बीच में छोटी सी MID मिलती है आपको, लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, सारी इन्फॉर्मेशन देती है। आई थिंक 2 इंच की MID आपको मिल जाती है, देखिए डोर ओपन है तो साइन यह दिखा रहा है MID पे, ये काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, छोटी ज़रूर है लेकिन इन्फॉर्मेशन पूरी देती है, टायर प्रेशर मॉनिटर के सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आएंगे तो 8 इंच का वो टच स्क्रीन मिलता है जो एंड्रॉयड ऑटो वॉकल कारप्ले सपोर्ट करता है, वो भी वायरलेसली, यहाँ पे बटन वगैरह भी मिल जाते हैं। टोटल 4 स्पीकर 2 ट्विटर्स मिल जाता है आपको इसमें, टच की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी शानदार है, ब्लूटूथ आपको मिल जाता है, रेडियो वगैरह सारी फीचर्स आपको इसमें आपको देखने को मिलते हैं। फीचर्स में कोई कमी नहीं है, यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं फिट एंड फिनिशिंग काफ़ी शानदार मिलती है इस गाड़ी की। यहाँ पे आपको नॉर्मल AC मिलता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता है इस वेरिएंट में। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट, USB चार्जिंग, यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह अपना रख सकते हो। एक चीज़ अच्छा मिलता है इस गाड़ी में यार, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, टच की क्वालिटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा आपको शानदार देखने को मिलती है। चलिए यहाँ देखेंगे आपको कप होल्डर्स मिल जाता है, 2 हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मिल जाता है, आर्मरेस्ट में भी थोड़ी बहुत जगह तो मिली जाती है सामान वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पे सिल्वर फिनिश का यूज़ किया गया, जो अच्छा लगता है देखने में, इंटीरियर इसका काफ़ी प्रीमियम लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा है इसका, डैशबोर्ड की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम आपको डैशबोर्ड की क्वालिटी देखने को मिल जाती है, काफ़ी शानदार है। वहीं पर आप देखेंगे तो वेंटी मिरर आपको ड्राइवर साइड नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप मिल जाता है,
सनग्लास होल्डर, वेंटीमीटर आपको इस साइड मिल जाता है, ये अच्छी बात है। पैसेंजर साइड आपको वेंटीमीटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप आएंगे तो IRBMs आपको मैन्युअली मिलता है इस वेरिएंट में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस वेरिएंट में आपको सभी तरह के जरूरत के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स आपको ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है। तो बजट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ये हो जाती है। अब चलिए इसके रियर की सीट को चेक करते हैं, देखते हैं कितना कम्फर्ट वो आपको प्रोवाइड करती है। सबसे अच्छी बात है इस गाड़ी के जो रियर ग्लास एरिया है ना, आप देख सकते हो ग्लास एरिया कितना ज़्यादा शानदार लगता है। काफ़ी बड़ा ग्लास एरिया है जिससे क्या है विजिबिलिटी अंदर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। चलिए अब रियर की सीट को चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी कार्बन ब्लैक में आपको इंटीरियर मिलता है, क्वालिटी अल्टीमेट। ये अच्छी बात है कि हुंडई किया की गाड़ियों की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलती है। यहाँ पे सिल्वर फिनिश का यूज़ किया गया है, विंडो के कंट्रोल। यहाँ पे आपको बटन होल्डर्स मिलता है, स्पीकर, कुछ इस तरह का आपको रियर सीट देखने को मिलता है। फैब्रिक में ही आपको मिलती है लेकिन काफ़ी कुशनिंग है। फिक्स आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, वो भी दो एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं। चलिए ये बैठते हैं। देखिए आगे की सीट पूरी पीछे है, उसके बावजूद देख सकते हैं थाई सपोर्ट काफ़ी शानदार, लेग रूम बेहतरीन, इसी चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा था। देखिए आपको रीडिंग लैंप भी देखने को मिल जाता है रियर में भी, ग्रैब हैंडल्स, कुछ इस तरह का इंटीरियर मिलता है किया सेल्टोस का। रियर एसी वेंट भी आपको देखने को मिल जाते हैं इस वेरिएंट में। यहाँ पे आपको USB मिल जाता है, फ़ोन रखने के लिए जगह मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखा जाए तो फीचर रिच प्रोडक्ट है, सारी चीज़ें आपको बढ़िया मिल जाती है, फीचर्स में कोई कमी नहीं है। गाड़ी बड़ी है, पैसे भी आपको उतने ही देने पड़ते हैं। इस बजट में देखा जाए तो इससे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मुझे नहीं लगा है। अगर आप मिनी SUV सेगमेंट में जा रहे हो टॉप मॉडल में तो इस वेरिएंट को ज़रूर देखना, ये वेरिएंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर इसके इंजन ऑप्शन की बात करें तो इस वेरिएंट में आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, वही 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो 115 PS की पावर देता है, 144 Nm टॉर्क के साथ, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है, 6 स्पीड। डीजल इंजन की बात करें तो वही 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो आपको 115 PS की पावर देता है, 250 Nm टॉर्क के साथ, वो भी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में ही आता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं इस गाड़ी में, पेट्रोल डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन के साथ आती है, तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।